आपको बताने वाला हूँ उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप बस्ती जिला के वासी हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और अगर आप अपने जिला के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, बस्ती जिला, यह जिला भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से एक बस्ती जिला के नाम से जाना जाता है। बस्ती जिला उत्तर प्रदेश के उत्तर से पूर्व भाग की ओर का जिला कहलाता है। इस जिले का हेडक्वार्टर ऑफिस बस्ती शहर में मौजूद है, और बस्ती जिला होने के साथ साथ एक मंडल भी है, और बस्ती जिला बस्ती मंडल के अंतर्गत आता है। बस्ती मंडल का गठन सन 1997 में किया गया था। बस्ती मंडल के अंतर्गत तीन जिले आते हैं, पहला बस्ती जिला, दूसरा संत कबीर नगर जिला, और तीसरा सिद्धार्थ नगर जिला। बस्ती जिला पहले उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब बस्ती को गोरखपुर से अलग किया जा चुका है। इस जिले का गठन 6 मई 1863 में किया गया था। बस्ती जिला के पड़ोसी जिले का नाम संत कबीर नगर जिला, अंबेडकर नगर जिला, गोंडा जिला, सिद्धार्थ नगर जिला और फैजाबाद जिला है। बस्ती जिला में 4 तहसील, 14 ब्लॉक, 1 लोकसभा, 5 विधानसभा, 312 डाकघर, 17 पुलिस स्टेशन, 5 नगर पालिका, 139 न्यायिक पंचायतें, 1045 ग्राम पंचायतें, 5 शहर और 3348 गांव में बटा हुआ है। क्षेत्रफल की बात करें तो उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले का कुल क्षेत्रफल 2688 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और इस जिला में रहने वाले परिवारों की कुल संख्या 3,82,210 के करीब है। और बात करें आबादी की तो साल 2011 के जनगणना के अनुसार बस्ती जिले की कुल आबादी 24,64,000 है, जिसमें कि पुरुष की कुल आबादी 12,35,000 और महिला की कुल आबादी 12,09,000 है। इस जिले का औसत लिंग अनुपात 963 के करीब है, यानी कि बस्ती जिला में 1,000 पुरुष पर 963 महिला है, और इस जिला में हिंदू धर्म की आबादी 80% तथा मुस्लिम धर्म की आबादी 19% है। बस्ती जिला के मुख्य नदी का नाम कोबारो नदी व घाघरा नदी है। कोबारो और घाघरा नदी के किनारे पर बसा यह जिला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से महज 205 किलोमीटर तथा देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 740 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। शिक्षा की बात करें तो बस्ती जिला में कई ऐसे छोटे बड़े स्कूल और कॉलेज हैं, जिसके माध्यम से यहाँ के बच्चे अच्छी तरह से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। वैसे जिले की साक्षरता दर 67% है, यानी कि यहाँ के आबादी के अनुसार 67% लोग पढ़े लिखे हैं, जिसमें कि पुरुष कुल 70% पढ़े लिखे हैं और महिला 56% पढ़े लिखे हैं। व्यवसाय की बात करें तो बस्ती जिला में कई ऐसे छोटे बड़े व्यवसाय हैं, जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार मुहैया प्रदान होता है। यहाँ के 24,64,000 आबादी में 7,84,000 यानी कि 32% लोग काम करने वाले मजदूर हैं, जिसमें कि सरकारी नौकरी करने वाले और प्राइवेट नौकरी करने वाले किसान सभी शामिल हैं। वैसे इस जिले का मुख्य व्यवसाय खेती भी है। कोबानो और घाघरा नदी के किनारे पर बसे होने के कारण इस जिला की मिट्टी काफी उपजाऊ है, और इस जिला के कुछ महत्वपूर्ण फसलों के नाम इस प्रकार हैं: धान, गेहूं, मक्का, दलहन, गन्ना आदि। टूरिस्ट स्थलों की बात करें तो उत्तर प्रदेश का बस्ती जिला खूबसूरती के खजानों से पूरी तरह से भरा हुआ है। इस जिला में टूरिस्ट स्थलों में शुमार राम रेखा मंदिर, कटेश्वर पार्क और हाजी लतीफ शाह बाबा का दरगाह शरीफ के नाम से लोग वाकिफ होंगे। सड़क रास्ते की बात करें तो उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला की सड़कें देश के बड़े बड़े शहरों के साथ अच्छी तरह से जुड़ी हुई है। इस जिला के माध्यम से नेशनल हाईवे संख्या 28 और नेशनल हाईवे संख्या 233 गुजरती है, जो आगे चलकर देश के बड़े बड़े शहरों के साथ अच्छी तरह से जुड़ी हुई है।
वैसे यह जिला बस के माध्यम से भी पड़ोसी जिला और जिला के छोटे बड़े गांवों तक भी बस सेवा मुहैया प्रदान कराता है। रेलवे स्टेशन की बात करें तो बस्ती जिले के मुख्य रेलवे स्टेशन का नाम बस्ती रेलवे स्टेशन है और इस रेलवे स्टेशन का कोड BHT है और बस्ती रेलवे स्टेशन में 4 प्लेटफॉर्म और 6 पटरियां शामिल है और बस्ती रेलवे स्टेशन नॉर्थ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे जोन के लखनऊ NIR डिवीजन के अंतर्गत आता है। वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।